प्रफुल्ल चौधरी से तुम्हारा रिश्ता बहन और भाई वाला है, मतलब खुल चौधरी तुम्हारी बहन है। काश ये बात शकीला तुमने अपने लिए कही होती, मेरे सर से एक बोझ उतर जाता। हसाम चौधरी को तो मैं कभी पापा नहीं बुलाऊंगी। अलबत्ता नूर अंकल ने अगर निकाह डिक्लेयर कर दिया तो उनको पापा जरूर बुलाऊंगी। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। वो खुल की जो मामा है ना, सारा चौधरी, उन्होंने डैड से खुफिया निकाह किया हुआ है। ये तुम क्या बोल रहे हो? कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है, ए खुदा, लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है, ए खुदा। मैंने और फौजिया बेगम ने सोचा कि क्यों ना इस मंगनी की रस्म को सीधा निकाह में बदल दे। निकाह? मैंने सुना है कि तुम इस वक्त नूर बहादुर के बेटे के मंगनी के फंक्शन में हो। हाँ, तो तुम्हें बताया तो था। मुझे सिर्फ ये बताया था कि किसी फंक्शन पे जा रही हो, इसलिए मैं ना आऊं। भाभी, अगर आप बुरा ना मनाए तो आपकी दोस्त को 2 मिनट उधार ले सकता हूँ। हाँ भाई, जाओ गजल। वैसे तो ये किससे बात नहीं करता, शायद कोई बात करनी हो, जाओ भी कर लो बात। हमारे पेरेंट्स काफी देर से आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, मुझे परेशान लग रहे हैं। परेशान नहीं है, एक्चुअली वो आज हमारा निकाह करना चाहते हैं। निकाह? हाँ। What? और मैंने ये भी कहा था कि तुम खुल्द के साथ आना। मेरे दिमाग पर तो पत्थर पड़ गए थे। मैं जानता था कि नूर बहादुर का उसकी माँ के साथ निकाह है खुफिया, मगर तू क्यों चली बन गई? क्या हो गया, जमीर जाग गया क्या? यहाँ पे सब लोग कितना खुश होंगे ना, मैं जल नहीं रही, बस ये सोच रही हूँ कि नूर अंकल ने अपनी बीवी की खुशी के खातिर हमें इनवाइट तक नहीं किया। तुम ये क्यों नहीं सोचती, जब नूर बहादुर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे अपनी बीवी अनाउंस करेंगे तो फौजिया पे क्या गुजरेगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्होंने किसी बदमजगी से बचने के लिए हमें सिर्फ आसरा दिया हो, झूठा आसरा। एनीवेज जस्ट थिंक पॉजिटिव, मैं नूर को जानती हूँ, वो मुझसे कभी झूठा वादा नहीं करते। मुझसे तो छोड़ो, हम दोनों से कभी नहीं कर सकते। नूर, आप तो हमेशा उन्हें शाजी बोलती हैं। इस दफ़ा जब आए थे तो उन्होंने मुझे नूर पुकारने के लिए कहा था, मैंने भी बतौर बीवी तकल्लुफ थोड़ा सा काम कर दी। कहते तो मुझे भी हैं, इवन रिक्वेस्ट करके गई हैं मुझसे कि मैं उन्हें पापा कहूँ, लेकिन मैं तो कभी नहीं कहूँगी। ये तो मैं भी चाहती हूँ कि बेशक पापा ना कहो, नूर अंकल कह के पुकारो, और हसाम को पापा कह के पुकारो। हरगिज़ नहीं, हसाम चौधरी को तो मैं कभी पापा नहीं बुलाऊंगी। अलबत्ता नूर अंकल ने अगर निकाह डिक्लेयर कर दिया तो उनको पापा जरूर बुलाऊंगी। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, नूर जरूर ऐसा करेंगे। वो ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन मैंने नूर बहादुर की जिंदगी तल्ख जरूर करनी है, मेरे माँ बाप के दरमियान आने की सजा के तौर पे, और इसीलिए मैं इस घर में गजल को गुजार रही हूँ, अपनी आंखें और जबान बनाकर। पता नहीं जहन गजल से मिला कि नहीं। पारस जी,
जरा बात सुनेंगी? मैं सर एक इम्पोर्टेंट बात कह रही हूँ, प्लीज वेट। जी हाँ, अब कहिए कहाँ है आपकी बुक? बुक? कौन सी बुक? ऑटोग्राफ बुक। आपको ऑटोग्राफ चाहिए या सेल्फी? मैं ऑटोग्राफ लेने नहीं आया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कोई प्रोड्यूसर वगैरह है क्या? नहीं, एक्चुअली मैं आपका बहुत बड़ा फैन था। था? आई मीन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी। फिल्म की कहानी? दरअसल आपके चेहरे के इर्द-गिर्द मेरी पूरी जिंदगी घूमती है। ये लड़का तुम्हें काफी देर से घूर रहा है। Do you know him? No. शायद फैन होगा कोई। Excuse me. कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, बस मैं पारिस जी से कुछ बात करना चाहता हूँ। देख नहीं रहे हम शूट प्लान कर रहे हैं। Come on, dear. अब जहाँ पे स्टार्स होंगे वहाँ पे फैंस भी तो होंगे ही ना। बेचारा कब से सेल्फी लेना चाह रहा होगा। Forgot it. अब मेरे साथ सेल्फी लेना, मैं हूँ ना। ओके। इतना दुख तो मुझे सबूही की मौत ने ही दिया जितना मुझे पारिस के साथ बिताए वक्त ने दे दिया। मैं कसम खाता हूँ सबूही की, पारिस मैं तुम्हें शोबिज का आइकॉन बन के दिखाऊंगा। इस हीरो से ज्यादा नामवर और मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक से ज्यादा अमीर बन के दिखाऊंगा। मुझे कसम है सबूही की और अपने वकार की, मैं पारिस को अपने पीछे इतना पागल कर दूंगा। पारस मेरे पीछे पड़ी रही और एक दिन पारस मैं तुम्हें बहुत बड़ी पार्टी में बहुत बड़ी हीरोइन के साथ नजर आऊंगा। तब तुम मुझसे बात करना चाहोगी और मैं तुम्हें ऐसे ही इग्नोर करूंगा जैसे तुमने मुझे इग्नोर किया था। तुम खुद मेरे साथ सेल्फी खिंचवाने आओगी, तुम्हारी इतनी औकात नहीं होगी। मैं वादा करता हूँ पारस, मैं वादा करता हूँ। हेलो पुल्क, कैसी हो? सर तुमने फोन नहीं किया, क्या हुआ वापस आ गई? हाँ बस अभी अभी आई हूँ, मेकअप उतार रही हूँ, तुम बताओ। कैसी रही मंगनी? मंगनी? वहाँ तो निकाह हो गया है। क्या निकाह? आज तो सिर्फ डेट तय होनी थी ना। यार ये चक्कर तो मुझे लगता है रायला की मामा ने चलाया है। लाइक पहले तो सब आपस में गॉसिप करते रहे हैं, फिर नूर अंकल आए और एकदम से उन्होंने कहा कि अनाउंसमेंट कर दिया। ओह माय गॉड, रायला तो बहुत खुश होगी ना। दफा करो यार, मैं तो बस तुम्हें अभी फोन करने ही वाली थी। अच्छा ये बताओ, साइन मिला तुम्हें? मैंने तुम्हारी पिक्चर भेजी थी उसको। इसीलिए तो तुम्हें फोन किया है। थैंक्स यार, अब जल्दी जल्दी मेरी बात बढ़वाओ आगे जैन से। शुक्र है कि तुम लाइन पर तो आई। What do you mean? देखो गजल, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी जैन से हो जाए, लेकिन अगर तुम्हें मेरा तावुन चाहिए तो इसके लिए एक शर्त होगी। कैसी शर्त? मिलकर बताती हूँ। ऐसा करती हूँ कि कल मैं शो के बाद तुम्हारे घर पे आती हूँ, और अब तो जका अंकल से बात करोगी ना मेरे बारे में। ओके, कल मिलते हैं फिर, बाय। ओके बाय।
चलो ये काम तो बना। फोन अटेंड करूंगा तो पता नहीं दिन कैसा गुजरेगा। तुमने बताया नहीं कल रात मैं कैसी लग रही थी। जब से आई हूँ कोई 36 मरतबा पूछ चुकी हो, सच बताओ ना कि तारीफ सुनने का जी चाह रहा है। अरे नहीं यार, तारीफ तो मैं बचपन से सुन रही हूँ। बस अपना नाम सभी के साथ जब सुनती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और ये निकाह वाली स्ट्रैटेजी भी तुम्हारी ही थी ना। अरे नहीं यार, वो तो मैं अपनी सास को इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीधा निकाह ही करवा दिया। अच्छी बात है ना, जलने वालों को मौका ही नहीं मिला मंगनी तोड़वाने का। बस शुक्र करती रहो, वरना चाल चलने वाले तो तलाक करवाने की भी कोशिश करते। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रही हो। वेल, होशियार कर रही हूँ तुम्हें। शकीला तो तुम्हारी है ही दुश्मन, और खुल्त के दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं है। यू नो, मेरा दिल कर रहा है कि जलकर राख होने वाली शकीला को जाकर मैं खुद देखूं। खैर, मुझे याद ही नहीं रहा शकीला आई थी मंगनी में रात को। नहीं, यहाँ आने से पहले वैसे मैंने उसे फोन किया था उसका रिएक्शन देखने के लिए, तब उसने मुझे बताया। साजिशी लड़की, तुम देखना इसका मैं क्या हाशर करती हूँ। एक बात और बतानी थी, इनफैक्ट फोन पर बात करने के बजाय मैं तुम्हारे घर इसीलिए आई हूँ। अच्छा, कोई और बात भी है। हाँ, वो जो तुम्हारा देवर नहीं है जैन बहादुर, वो मेरे बड़े आगे पीछे घूम रहा है। क्यों भाई, उसको कोई और दिखाई नहीं दिया? और वैसे भी फ्लर्ट कर रहा होगा, एंगेज्ड है वो। उसे लगा होगा तुम मेरी क्लोज फ्रेंड हो ना, इसीलिए फ्लर्ट कर रहा होगा। नहीं रायला, उसे तो पता भी नहीं है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, एंड आई डोंट थिंक सो कि वो फ्लर्ट कर रहा है। तो क्या मर मिटा तुम पर? पूछो अपनी सास से। सास से? कहीं जैन ने घर पे और धूम तो नहीं मचा रखी? तुम सीरियस क्यों नहीं ले रही? तुम भी सीरियस मत लो, ये तो मेरी सास और सभी का दिल मुझ पे आ गया था, वरना ये लोग तो अपने से बड़ी फैमिलीज में रिश्ता करती हैं। मेरा मतलब है कि अब जैन की बारी है। अरे अरे, गरम मत पीना, मुंह जल जाएगा। हेलो, घर पे हो ना? कौन? शामिर? हाँ, मेरा शो जल्दी खत्म हो गया था, मैं सीधा तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। अरे नहीं भाई, मैं रात बहुत लेट सोई हूँ, 2-3 बजे उठूंगी ना, फिर आ जाना। ओह, बट मैं काफी रास्ता तय कर चुका हूँ, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तुम होश में तो हो शामिर? किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? मेरे लहजे को कुछ नहीं हुआ, सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ओह शट अप, मैं डिस्टर्ब होना नहीं चाहती, और जब मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया, और तुम नहीं आओगे बस। उसके भी पर निकल आए हैं, फोन ही बंद कर दो, डिस्टर्ब ही ना कोई करे।
अभी को कॉल करती हूँ। हेलो। गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर सबर करके फोन नहीं कर सकती थी आप? मैंने एक्चुअली आपको बस आपके निकाह की मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है। ओह, तो न्यूज मिल गई आपको? यकीनन गजल ने बताया होगा, आई थी ना रात को वो। अब नहीं, उसने नहीं बताया, मुझे खुद पता है। कैसे, अलार्म हुआ था क्या? नहीं, मैं खुद आई थी, तुम्हारे निकाह में मैं शरीक थी। What? तुम आई थी? कहाँ? मुझे तो नजर ही नहीं आई। मैं तो सिर्फ एक नजर तुम्हें दूल्हा बने देखने के लिए आई थी। प्लीज अब मुझे ये इमोशनल बातें करके तंग मत करो, मेरे और तुम्हारे दरमियान में कुछ तय पाया है। एक्चुअली मुझे एक और बात तुमसे करनी है। क्या? इम्पोर्टेंट इतनी है कि तुम उसे सुनकर न्यूज ऑफ द डे कहोगे। कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बात? देखो शकीला, मैं अभी भी सो के उठा हूं। देखो, इससे पहले कि ये न्यूज कोई और तुम्हें दे, मैं चाहती हूँ कि मैं खुद ही तुम्हें बता दूं, ताकि हम ये डिस्कस कर सकें कि इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। ओके, तो क्या खबर है? तुम जानते हो कि खुल्द चौधरी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? खुल्द चौधरी? इस सवाल का मतलब? मतलब ये है कि खुल्द चौधरी से तुम्हारा रिश्ता बहन और भाई वाला है। मतलब खुल्द चौधरी तुम्हारी बहन है। काश ये बात शकीला तुमने अपने लिए कही होती, मेरे सर से एक बोझ उतर जाता। सैवी, तुम्हारे फादर ने खुल्द की माँ यानी सारा चौधरी से खुफिया निकाह किया हुआ है। सैवी, व्हाट आई एम टेलिंग यू शकीला, मजाक की भी एक हद होती है। What do you mean, Savvy? मैं तुम्हारे बाप के बारे में क्या ऐसी बात मजाक में कह सकती हूँ? ये तो सच है। तो तुम जो कह रही हो वो भी क्या सच है? 100% Savvy, ये बात मुझे खुद खुल्द चौधरी ने बताई है। Oh my God, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। Please Savvy, फोन बंद नहीं करना। अच्छा cool down, मेरी बात तो सुनो। मेरा दिमाग घुमा के रख दिया है तुमने, और तुम कह रही हो कूल डाउन। इसलिए कह रही हूँ कि प्लीज कूल डाउन, फोन बंद मत करो, मुझसे बात करो इस इशू पर। Who the hell do you think you are? मैं तुमसे बात क्यों करूँ? मैं खुद जाके डैड से क्यों ना पूछूँ? Listen Savvy, please cool down. इस बात पे पापा से जाके नहीं लड़ना, बल्कि हम इस इशू पर खुद बैठ के बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तुम समझ रहे हो मेरी बात? अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश मत करो शकीला, एंड फॉर गॉड सेक्स डोंट कॉल मी। सैवी, सैवी, ये इतनी बड़ी बात वाकई मैं मजाक में तो नहीं कह सकती, मगर ये मुमकिन भी तो नहीं। खुल्द चौधरी मेरे साथ 2-3 साल से पढ़ रही है, मगर उसने तो कभी मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। अब अचानक वो जाके ये बात शकीला को बताएगी, वो भी उस शकीला को जिससे ये लड़कियां बात तक करना पसंद नहीं करती, और वो भी इसके घर जाकर। इट्स इम्पॉसिबल। एक्चुअली इससे पहले कि मैं सुबह उठूं और रायला से रोमांटिक हूं, शकीला ने मेरा मूड ख़राब करने की कोशिश की, ताकि निकाह के बाद पहली ही सुबह रायला हर्ट हो। बाद में माजत कर लेगी, लेकिन शकीला ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे वो मेरी नजरों में गिर जाए।
दिमाग उड़ गया शहजादे का। अब तो ये रायला को फोन करेगा नहीं, और रायला का फोन आ भी गया तो ये इतना रोमांटिक होकर तो बात कर नहीं सकेगा जितना इसे पहली सुबह होना चाहिए था। काश काश मैं निकाह के पहले इसको जाकर ये सब कुछ बता देती। खैर कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है, वैसे शादी भी हो जाएगी ना तो भी मैं तुम्हें देख लेना, बसने नहीं दूंगी कभी सभी, देख लेना। तो क्या हो गया, इतने चुप चुप क्यों हो, क्या सोच रहे हो? यार मैं सोच रहा था कि ये हरीफ होना भी कितने एजाज की बात है। हरीफ? भाई मुझे लग रहा है कि तुम कुछ और कहना चाह रहे थे और तुम्हारे मुंह से हरीफ निकल गया ना, ऐसा ही है? नहीं, मैं हरीफ ही कह रहा था। अच्छा भला ये हरीफ एक एजाज कैसे हो गया? देखो ना, तुम रात मंगनी से कितनी थकी हुई आई हो और अभी सुबह उठ के मेरे साथ ही बिल्कुल अलर्ट एकदम से तैयार होकर ऑफिस आ गई हो। एक दिन थके एक दिन या एक क्लाइंट भी मैं तुमसे आगे ना निकल पाऊं। यस, हम दोनों हरीफ हैं, बट यू नो सका, हमारा कॉम्पिटिशन बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे, बल्कि तुम मेरे क्लाइंट छीन के ले जाती हो, और आज सुबह तुम ऑफिस इसीलिए आई हो ना कि तुम ये बात जानती हो कि मैंने एक बहुत बड़े क्लाइंट को घेरा है। ओ गुड न्यूज, न्यू क्लाइंट। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि किस क्लाइंट का जिक्र कर रहे हैं आप। कम ऑन हुमाई, कैसे हो सकता है, हम एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं और इस नाते हम दोनों एक दूसरे पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन पिछली रात वहां पर इतने नए चेहरे थे कि मेरी नजरें तो बस उन्हीं पे थीं। तुम्हारी नजरें पारस पर नहीं थीं? मैंने फहीमुद्दीन को मिलवाया था पारस से, क्योंकि फहीमुद्दीन ने इसी शर्त पे अपनी एजेंसी देने के लिए कहा है कि उसके प्रोडक्ट की मॉडल पारस ही होगी। भाई पारस पे मेरी नजर बिल्कुल नहीं थी, मेरी नजर पारस के साथ बैठी हुई नई मॉडल किंजा रहमानी पर थी, और फिफी ने मुझे एक नए लड़के के बारे में भी बताया, वही जो किसी मॉर्निंग शो में काम करता है। यानी फिफी ने शामीर का जिक्र कर दिया तुमसे? भाई सिर्फ शामीर ही नहीं, बहुत से नए चेहरे थे रात को। इनफैक्ट मैंने उनमें से कुछ को बुला भी लिया है अपने ऑफिस। चाहता तो मैं भी था कि नए मॉडल्स को सेलेक्ट करूं, लेकिन फहीमुद्दीन को पारस कुछ ज्यादा ही पसंद है। ओके। मतलब ये है कि खुल चौधरी से तुम्हारा रिश्ता बहन और भाई वाला है, मतलब खुल चौधरी तुम्हारी बहन है, सैवी तुम्हारे फादर ने खुल की माँ यानी सारा चौधरी से खुफिया निकाह किया हुआ है सैवी। What? I'm telling you, शकीला, मजाक की भी एक हद होती है। What do you mean, सैवी? मैं तुम्हारे बाप के बारे में क्या ऐसी बात मजाक में कह सकती हूँ? मुझे ये बात कंफर्म किए बगैर डैड से कोई डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ मैं शकीला से भी तो काम ले सकता हूँ, मगर ये बात तो मुझे खुद ही शकीला ने बताई है, फिर किससे बात करूँ? क्या मुझे खुल्द से खुद ही बात करनी चाहिए? मगर खुल्द का नंबर भी तो नहीं है मेरे पास, क्या मैं रायला से मांग सकता हूँ? No, I don't think so. निकाह के बाद पहली ही सुबह मैं
ये बात करूं कि मुझे किसी दूसरी लड़की का नंबर चाहिए तो किसी भी लड़की को बहुत बुरा लगेगा। खुद शकीला से लूं, इसका तस्वर तक तो चलाकियों से भरा हुआ है, और अगर मैंने उसे नंबर मांगा तो पहले ये कहेगी कि मुझसे आकर मिले, एंड आई डोंट वांट टू मीट हर। फिर किससे मांग सकता हूँ? क्या मैं गजल से मांग सकता हूँ? हाँ, गजल से बात की जा सकती है, मगर मेरे पास तो गजल का नंबर ही नहीं है। हाँ, रात को मैंने जैन को इसके काफी क्लोज होते हुए देखा था, शायद जैन ने इसका नंबर लिया हो इससे। मैं तो समझ रही थी कि वो मुझे मिलने बुलाएगा, डिस्कस करेगा मुझसे, लेकिन अभी तक ना तो फोन आया है और ना ही मैसेज। तो फिर अब क्या करेगा सैवी? बराहे रास जाकर नूर बहादुर से पूछेगा? नहीं नहीं, वो जज्बाती शख्स नहीं है, यकीनन पहले कंफर्म करेगा, लेकिन किससे? खुद से? नहीं नहीं, पता नहीं उसके पास खुद का नंबर होगा भी कि नहीं। अब मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन नूर बहादुर के घर इस बात को लेकर हंगामा मचना चाहिए, ताकि नूर बहादुर की बीवी कहे कि रायला के मनहूस कदम इस घर में जब से आए हैं पहले ही दिन फसाद हो गया। कुछ भी हो, लेकिन मुझे सैवी से एक कदम आगे ही रहना पड़ेगा, तभी तो मैं उसके लिए अहम बनूंगी। क्या करूं क्या करूं? एक तो मैं ये सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाने, उसके बाद पूरे घर की सफाइयां करने, और फिर दोपहर हो तो दोपहर का खाना बनाने, और रात हो तो रात का खाना बनाने के लिए पैदा हुई हूं। नहीं, मैं नहीं बना रही कोई खाना, अब उसे कहूंगी खुद ही मंगवा लें आज खाना। तुम्हारा फैन था और शुरू में सबूही को पारस कहता था, लेकिन सबूही के प्यार में तुम्हें सबूही सबूही कहकर बातें करने लगा, और आज तुम्हें पारस कह रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा ताकि सबूही फिर मेरी जिंदगी में वापस लौट आए, जीती ही जागती और जिंदा। आंटी की खैरियत तो पूछ लूं, वरना वो लोग ये सोचेंगे कि सबूही के मरने के बाद में उन्हें भूल गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। अब जी, आपकी तबीयत कैसी है? अब जैन 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 उठो।
उठते हो कि पानी की बाल्टी फेंकूं तुम पे? किस मिट्टी के बने हो भाई? अभी रात ही तो आपका निकाह हुआ है, इतनी सुबह कौन उठता है यार? ये सुबह है, 11 बज गए। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे गजल का नंबर दो और फिर सो जाओ। गजल? कौन गजल? कौन गजल? अच्छा वो लड़की जिसके साथ तुम रात को इश्क की पींगे मार रहे थे, वो गजल? मैं जिससे आशिक की पींगे लड़ा रहा था, आपको उसका नंबर क्यों चाहिए भाई? वो इसीलिए कि मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई बहुत ही घटिया इंसान है और उसका वक्त जाया कर रहा है। भाई क्या कह रहे हो? क्यों, होश आया ना? मैं इसलिए नंबर मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी एक और दोस्त है खुल्द, उसका नंबर चाहिए। तो भाई आप उसका कॉन्टेक्ट मुझसे डायरेक्ट ले लें। वाह, मैं उन लड़कियों के साथ पिछले 2 साल से पढ़ रहा हूँ, रायला समेत मेरे पास किसी का भी नंबर नहीं है, और तुम्हें देखो तुम्हारे पास खुल्द का नंबर भी है। भाई खुल्द से मेरी मुलाकात इत्तफाकन हुई थी, उसने मुझे गजल की पिक्चर भेज दी और गजल ने रात को तो अपना नंबर मुझे खुद दे दिया। अब मुझे ना तुम पे वाकई में गुस्सा आ रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्या कह दिया मैंने? वाला इत्तफाकन खुल्द तुमसे क्यों मिलेगी और फिर वो तुम्हें गजल की पिक्चर्स क्यों भेजेगी? वो ऐसी लड़की तो नहीं है। गलत मत समझे भाई, खुल तो चाहती थी कि गजल को उसकी भाभी बनाओ। क्या कहा तुमने? शिट, मुंह से निकल गया। ये शिट से पहले क्या बोला तुमने? भाई वो क्या बनाना चाहती है तुम्हें? डैड ने सही कहा था कि मैं आपसे कुछ छुपा नहीं सकता। क्या नहीं छुपा सकते भाई? प्लीज आप बैठे, मैंने आपसे जरूरी बात कर। प्लीज 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 प्लीज। हाँ बोलो भाई। एक बात मुझे पता चली है, खुल्द ने मुझे बताया कि क्या वो खुल्द की जो मामा है ना सारा चौधरी, उन्होंने डैड से खुफिया निकाह किया हुआ है। ये तुम क्या बोल रहे हो भाई? मैं सच बोल रहा हूँ। ज़ैन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की तुमसे झूठ बोल रही है। नहीं भाई, मैंने डैड से खुद कंफर्म किया, ये वाकई में बात है, ये वाकई में हो चुके हैं। आप प्लीज मेरी बात का यकीन करें।